गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है, बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, वो है इंडियन एयरलाइंस वर्सेज चाइनीज एयरलाइंस, फुल कंपेरिजन अनबायस्ड। तो आज हम देखने लगे हैं इंडियन चाइनीज एयरलाइंस का कंपेरिजन, मतलब इंडिया की एयरलाइंस बेहतर है मतलब या फिर चाइनीज। तो आज हम देखेंगे इस तरह का कंपैरिजन, आज तक हमने देखा है नहीं है। तो देखते हैं भाई ये कौन सी सुपीरियर एयरलाइंस है, इंडिया की या चाइना की। इंडिया के पास भी काफी कमाल की है और चाइना का मुझे कुछ भी आइडिया, उनका मुझे आइडिया नहीं है कैसी है उनके पास। तो इंडिया स्टॉप फैट का वीडियो इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज्यादा ऑसम किस्म की वीडियोस बनाती हैं। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आज के मॉडर्न वर्ल्ड के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, धीरे धीरे ही सही पर फ्लाइट्स ही सबके फर्स्ट प्रेफरेंस बनते जा रहे हैं। अब क्योंकि फ्लाइट्स में इतने पैसेंजर्स ट्रैवल करने लगे हैं, इसीलिए इनके टिकट प्राइसेस कम होती जा रही है। फ्लाइट्स की सबसे मेन कंसर्न बन गया है उसका कंफर्ट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जब तक पैसेंजर्स फ्लाइट कंपनीज के टाइमिंग्स और कंफर्ट्स को पसंद करते रहेंगे, तब तक उनका बिजनेस अच्छा ही चलेगा। आज के इस वीडियो में हम इंडियन एयरलाइंस को चाइनीज एयरलाइंस के साथ कंपेयर करेंगे, बेस्ट एयरलाइन कंपनी से लेकर बेस्ट सर्विस प्लेन्स तक। हर चीज के बारे में आज हम जानेंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया स्टॉप फैक्ट्स। नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इंडिया में सबसे पहला कमर्शियल फ्लाइट 18 फरवरी 1911 को लिया गया था। ये सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट था जिसमें प्लेन 9.7 किलोमीटर की डिस्टेंस उड़ा था। इंडिया के पहले एयरपोर्ट का नाम द जूहू एरोड्रम था, इसे 1928 में एस्टेब्लिश किया गया था और 1932 में जेआरडी टाटा ने यहाँ इंडिया का पहला कमर्शियल मेल सर्विस फ्लाइट लैंड किया था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद एयर इंडिया पहला पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना, इसे 21 फरवरी 1960 में एस्टेब्लिश किया गया था। वहीं अपने 2PBY एम्फीबियंस के साथ चाइनीज एयरलाइंस 16 दिसंबर 1959 में एस्टेब्लिश किया गया था। लेट हुआ। इसके शेयर्स कंप्लीटली रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास थे। इसे IFEU ने फाउंड किया था, जो कि रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर है जो ज्यादातर चार्टर फ्लाइट पर ही कंसंट्रेट करते थे। नंबर 2 नंबर ऑफ एयरप्लेन्स एंड एयरपोर्ट्स। इंडिया के पास 700 से भी ज्यादा कमर्शियल फ्लाइट है। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो 2017 में इंडिया के पास 5000 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट है। टोटल 486 एयरपोर्ट्स, एयर स्ट्रिप्स, फ्लाइंग स्कूल्स और मिलिट्री बेसिस है। वही 2019 में चाइना के पास 6134 के मुकाबले करीब 541 एयरक्राफ्ट ज्यादा थे। चाइना के पास करीब 2100 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी हैं। 2020 में मेनलैंड चाइना पर करीब 241 सिविल एयरपोर्ट्स थे। नंबर 3 बेस्ट एयरलाइन कंपनी। इंडिया में इंडिगो की फ्लाइट स्टॉप पर है। इंडिगो सबसे टॉप पे। इंडिगो का ऑलमोस्ट 48.1% मार्केट शेयर है। इंडिगो कंपनी का रेवेन्यू 15,677.6 करोड़ रुपीस का है। वहीं वैसे तो एयर चाइना सिविल एविएशन की नेशनल फ्लैग कैरियर है, लेकिन ये एयरलाइन कंपनी नहीं है। 2021 में चाइना की बेस्ट एयरलाइन कंपनी का नाम था हेनन एयरलाइंस। इसके हेडक्वार्टर्स है को चाइना में है और इसे 1989 में फाउंड किया गया था। हेनन एयरलाइन का रेवेन्यू 84,000 करोड़ रुपीस का है। नंबर 4 बेस्ट सर्विस प्लेन्स। इंडिया के बेस्ट सर्विस एयरप्लेन है विस्तारा। ये बहुत मैंने सुना है इसका विस्तारा, जो कि ज्यादातर इंडियंस यूज करते हैं। इसके अलावा इंडिया के बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनीज है एयर इंडिया, स्पाइस जेट, एयर एशिया और गो एयर। वहीं बेस्ट सर्विस प्लेन्स में भी हेनन एयरलाइंस टॉप पोजीशन पर है। इसे वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस क्लास अमेनिटीज, बेस्ट एयरलाइन इन चाइना, बेस्ट एयरलाइन स्टाफ इन चाइना, बेस्ट एयरलाइन कैबिन क्लीनलीनेस इन चाइना और बेस्ट कैबिन क्रू इन चाइना का अवार्ड भी मिला है। नंबर 5 बिगेस्ट एयरपोर्ट्स। इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है। इस पे हर साल लगभग 2,25,83,736 पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। 2 मई 1986 को इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था, जिसमें उसका नाम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट रखा गया था। वहीं 2020 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ग्वांगसू बायोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जहां हर साल 4 करोड़ से भी ज्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। इसे 5 अगस्त 2004 में एस्टेब्लिश किया गया था। नंबर 6 नंबर ऑफ टूरिस्ट ट्रैवलिंग बाय प्लेन। इंडिया में चाइना के तो एयरपोर्ट भी केकड़े के जैसे होते हैं भाई, मतलब उनका डिजाइन जिमकाड़ो वाला बन रहा है। 2020 में पैंडेमिक शुरू होने की वजह से चमकादड़ वाली गाड़ी भी है करने वाले टूरिस्ट बहुत कम हो गए। 2018 के डाटा के मुताबिक 3 करोड़ से भी ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट हर साल
चाइनीज एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं। तो दोस्तों आप अगला वीडियो किस टॉपिक के बारे में टूरिस्ट ज्यादा जाते हैं ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार देखा जाए तो यार चाइना अपने लिहाज से मतलब ठीक था और इंडिया अपने लिहाज से ठीक था, लेकिन चाइना में टूरिस्ट ज्यादा जाते थे 2019 तक। अब तो चमगादड़ पकने लगे हैं तो चाइना में टूरिस्ट भी कम हो जाए। मैं एक बात बोलूं, यही 2019 तक यही समझो अरूज था, एक किस्म का टॉप पे था चाइना, ये अब नीचे आया। उसके बाद मतलब ये कि जब से चमगादड़ ने उनकी जो है ना वायरस फैलाया ना, उससे चीनी वायरस जब से फैला है ना, जब से फैला है तो तबाही कम हो गए। देखो उधर की जितनी भी इंडस्ट्री है वो उठकर इंडिया में अब आ रही है सारी, ज्यादातर क्योंकि जो थे जितने भी सारे कुछ लोगों को उन्होंने छोड़ा ही नहीं अपने कंट्री में। सैमसंग आ गया, आ गया, मतलब अभी काफी सारी और यार एयरलाइंस को देखा जाए तो यार पहले तो मैं कहना चाहूंगा चाइना के तो एयरपोर्ट भी केकड़े जैसा कोई दिखता है, कोई पता नहीं कुत्ते जैसा दिखता है, कोई कैसा दिखता है भाई, गादड़ और पता नहीं कैसे कैसे बनाए हुए हैं यार। जो चीज वो खाने के शौकीन है ना उसको उस पे एयरपोर्ट पे कन्वर्ट कर दिया गया। सही बात है मतलब। और दूसरी बात मुझे इंडिया की जो एयरलाइंस है इंडिगो, मुझे नहीं पता था कि सबसे ज्यादा टॉप की है 48% मार्केट शेयर के साथ। मैं पता क्या मैं विस्तारा ये समझ रहा था, विस्तारा को इस तरह मैं समझ रहा था कि ये टॉप पे होंगी, लेकिन अफोर्डेबल विस्तारा है, मतलब सबसे ज्यादा अगर अफोर्डेबल है तो वो विस्तारा है, लेकिन सबसे जो फेमस है वो इंडिगो है। और चाइना की भी वो कहते हैं हैनान जो थी वो काफी चल रही थी, मतलब हैनान एयर चाइना और एयर अभी एयर इंडिया को भी टाटा ने वापस ले लिया। अब देखो एयर इंडिया भी अपना क्या पता भाई जलवा दिखाया आगे। यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम अगर कोई पेन कॉपी है ना तो अभी लिख लो एयर इंडिया अभी बहुत फायदे में, बहुत ज्यादा फायदे में। ये बात है एयर इंडिया बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की करने लगा। ये तो भाई वैसे भी जब से टाटा के पास गई है तो ये बंदों को देख लोगों को देख ही गया होगा बिल्कुल। इसमें यार टाटा पे लोग एतबार करते हैं, टाटा एक क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं यार उसको, एक जो होता है ना जिस ब्रांड एतबार किया जाए, ब्रांड मतलब ब्रांड तो है ही है, मतलब एक दूसरे दिलों की दर्द विश्वास का साथ टाटा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं भाई चाइना की भी अच्छी थी यार, वो बेस्ट पता नहीं हैनान वो बता रहे थे कि उसके अंदर है बेस्ट उसमें आती है दुनिया के एक बार आई है। हाँ। और इस तरह एयरपोर्ट्स भी थे और मतलब काफी फ्लाइट यार मतलब उनके पास ज्यादा थे प्लेन वगैरह उस लिहाज से देखा जाए, क्योंकि मतलब उनके पास प्लेन ज्यादा थे। बहुत बड़ा कंट्री है यार, उसने उन्होंने सिर्फ प्लेन पे तवज्जो दी है। सही बात है, ज्यादातर मतलब उनके पास क्वांटिटी ज्यादा है, क्योंकि क्वालिटी में तो आपको पता है चाइना के प्रोडक्ट कैसे कैसे है। सो गाइस आपको बताएं कौन सी मतलब कभी आप चाइनीज एयरलाइन में भी गए हो कोई तो वो भी अपना एक्सपीरियंस बता सकता है, और आपके लिहाज से कौन सी इंडियन एयरलाइन सबसे ज्यादा बेस्ट है, एयरलाइन जिसमें आपने विजिट किया हो किसी दूसरे देश में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, किस एयरलाइन का सबसे बेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।